यस बच्चा, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एडुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए मोहित तापड़े। और हमेशा की तरह मैंने कहा था, मैं गुजरात बोर्ड वालों के बल्ले बल्ले कर दूंगा। भैया, आपका पूरा का पूरा कंटेंट हमारी चैनल पे रहेगा, वो भी कम्प्लीटली फ्री। और उस पर्टिकुलर चीज को आज भी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, और मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कॉन्टेंट आपके लिए रोज प्रोवाइड करता रहूंगा। आपको बस इतना सा काम करना है सर, हमारे साथ बने रहना है, और साथ साथ में ये बेनिफिट अपने बाकी दोस्तों तक भी पहुंचाना है कि भैया गुजरात बोर्ड इज कम्प्लीटली फ्री। आइए पढ़िए, एंजॉय करिए। ठीक है बच्चा, तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हमारे टॉपिक के तीसरे पार्ट को। राइट, हमने अभी तक दो पार्ट में वीडियो बना दिया है। हमारे चैप्टर का नाम है डिमांड, जो कि 11 गुजरात बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 है। उसके हम ऑलरेडी दो पार्ट बना चुके हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो होगा जहां पे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, इस चैप्टर को वाइंड अप करने वाले हैं। इस चैप्टर को तीन पार्ट देने का रीजन यही था, भैया चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट थोड़े बढ़िया है, तो स्ट्रेच करने में मतलब नहीं है। आराम से धीरे 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 पढ़ेंगे। क्यों भैया खींचे, एक ही लेक्चर में क्यों खत्म करना है, आराम से पढ़ेंगे। इसलिए हमने इस वीडियो को तीन पार्ट में डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की है। आज हमारा तीसरा पार्ट रहेगा जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले यहीं पे बता दें, टेक्स्ट बुक बाद में खोलेंगे, पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं कि व्हाई इज इट नेसेसरी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने की जरूरत क्या थी। भैया डिमांड से काम चल रहा था, क्यों बिना मतलब और क्रिएटिव बन रहे हो, क्यों इलास्टिसिटी निकाला। भैया जरूरी है, जरूरी इसलिए है क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड आपको अधूरा ज्ञान देता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है भैया प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगी, ठीक है प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगी, डन। बट लॉ ऑफ डिमांड आपको ये नहीं बताता कि प्राइस अगर 20% बढ़ा तो डिमांड कितना परसेंट गिरेगी, प्राइस अगर 20% गिरी तो डिमांड कितना परसेंट बढ़ेगा, ये लॉ ऑफ डिमांड आपको बता नहीं पाता। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड को और जस्टिफाई करने के लिए और सपोर्ट देने के लिए नया कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपको क्वांटिफाई करना सिखाएगा, ये सिखाएगा कि अगर प्राइस 20% बढ़ा है भैया तो तुम्हारा डिमांड इतना परसेंट गिरेगा, या फिर प्राइस इतना परसेंट गिरा है तो तुम्हारा डिमांड इतना परसेंट बढ़ेगा। इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये आपको एग्जैक्टली डिमांड को क्वांटिफाई करना सिखाता है। तो चलिए बच्चा, आज इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक आपके हाथ में होनी चाहिए, और नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पूरी टेक्स्ट बुक आपके लिए साथ में लेके बैठा हूँ। राइट, आपकी स्क्रीन पे आपको अपनी पूरी टेक्स्ट बुक दिखेगी और हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिखेगा, और जिस कॉन्सेप्ट का नाम रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बहुत तरह की इलास्टिसिटी होती है, हम सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है कि भैया प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आता है, उसे कहा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा सा इसके डेफिनेशन पे भी ध्यान दे लेवे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस इज बेसिकली नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये डेफिनेशन मार्शल ने भी दी है, द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ राइज इन डिमांड बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस एंड अपॉन एक्सटेंट ऑफ फॉल इन डिमांड बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस। तो कितना प्राइस गिरने पे कितनी डिमांड बढ़ेगी और कितना प्राइस बढ़ने पे कितनी डिमांड गिरेगी, ये एग्जैक्टली क्वांटिफाई जब किया जाता है उसे कहा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला रहेगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्लीज गलती मत करना, डिमांड ऊपर आएगा और प्राइस नीचे आएगा, गलती मत कर देना, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो हम लिखते हैं इसको इस तरह से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है भैया, डेल्टा, ये जो ट्राइंगल मैंने बना रखा है इसे कहा जाता है डेल्टा, डिनोट्स चेंज, तो हम इसे बोलेंगे परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमारा बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है। और हमेशा याद रखना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर हमेशा माइनस में ही आता है, बट आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट नंबर लिखोगे विदाउट माइनस साइन तो भी करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट माइनस में होता ही है, इट्स अ नेगेटिव स्लोपिंग कर्व, तो आंसर माइनस में आएगा ही आएगा हमेशा। चलिए, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी पांच तरीके की हो सकती है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक एंड रिलेटिव इन इलास्टिक। इस तरीके से पांच तरह की इलास्टिसिटी हो सकती है। सबसे पहले वाला एकदम थियोरेटिकल है, फिर भी पढ़ेंगे, ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपको देखने नहीं मिलेगा। दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है भैया, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहता है कि आपकी प्राइस एकदम कांस्टेंट रहने वाली है, आपकी प्राइस एकदम कांस्टेंट है,
आपकी डिमांड भले ही कितना भी क्यों ना बढ़ जाए या कितनी भी क्यों ना गिर जाए, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब प्राइस हमारे फिक्स हो गए, सपोज कर लेते हैं 100 रुपए, अब डिमांड 10 तो भी 100, डिमांड 200 तो भी 100, डिमांड 2000 तो भी 100, आप डिमांड कितनी भी इंक्रीज हो जाए प्राइस में कोई चेंज आता नहीं है। उसे बेसिकली कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बट जैसे कि मैंने कहा था, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज नॉट फाउंड इन रियालिटी। ये आपको सच्ची सच्ची देखने नहीं मिलेगा, ये एक थियरी है, ये एक इकोनॉमिक्स की सिर्फ बेसिक थियरी में आपको देखने को मिलेगा। इसका सच में रियल लाइफ में आपको देखना बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, कोई एक आधा कमोडिटी में आप ढूंढ के लाओ तो बात अलग है, बाकी नॉर्मली ये नहीं मिलने वाला है। सो ये हो गया सबसे पहला, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दूसरा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक, इसका उल्टा। इसका उल्टा, डिमांड कांस्टेंट है भैया, प्राइस कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, प्राइस 10 रुपये होगा तो भी डिमांड उतना ही, प्राइस 20 रुपये होगा तो भी डिमांड उतना ही, प्राइस 30 होगा तो भी डिमांड उतना ही रहने वाला है। ये नॉर्मली आप इन एक्सपेंसिव कमोडिटीज में देख सकते हो, जैसे कि नमक। नमक 10 रुपये का होगा तो भी भैया मम्मी एक पैकेट ही लाएगी, नमक 20 का होगा तो भी हमारे घर में उतना ही कंज्यूम होगा, और नमक 30 का होगा तो भी हमारे कंजप्शन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो नॉर्मली ये तरह की चीजें आप इन एक्सपेंसिव कमोडिटीज में देख सकते हो, इसलिए इसे कहा जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। एकदम इन इलास्टिक डिमांड है, डिमांड बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, डिमांड कांस्टेंट रहने वाला है, प्राइस चाहे जितना फट जाए डिमांड में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये हो गया आपका सेकेंड वन, दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कि ये आपको नॉर्मली इन एक्सपेंसिव कमोडिटीज में देखने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट। आगे बढ़ेंगे यूनिट। अब ये आपको हर तरह की कमोडिटी में देखने के मिल सकते हैं, अगले तीन जो है वो किसी भी कमोडिटीज में आ सकते हैं। यूनिट इलास्टिक डिमांड क्या होता है भैया, जितने से प्राइस बढ़ेगा, जितने परसेंट से, एग्जैक्टली उतने परसेंट से ही डिमांड गिरेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्राइस बढ़ा 10%, तो भैया आपका डिमांड भी एग्जैक्टली 10% से ही गिरेगा। उसे कहा जाता है यूनिट इलास्टिक डिमांड। आपको कर्व भी दिखेगा बहुत तरीके से, देखो हमारा प्राइस ये था, हमारा डिमांड ये था। अब अगर मेरा प्राइस एग्जैक्टली 10% से बढ़ा, मेरा डिमांड एग्जैक्टली 10% से गिरा, उसे कहा जाता है यूनिट इलास्टिक डिमांड। क्या कहा जाएगा भैया उसे? उसे कहा जाएगा यूनिट इलास्टिक डिमांड। दोनों में चेंजेस एग्जैक्टली सेम है, ये आपको किसी भी गुड्स में देखने मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में आता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होगा? इसमें ऐसा होगा कि भैया प्राइस में चेंज आएगा थोड़ा सा और डिमांड में चेंज आ गया ज्यादा, तो इसे कहा जाता है रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। मतलब प्राइस थोड़ी सी चेंज होगी, या तो ऊपर या नीचे, बट डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, तो उसे कहा जाता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल देखिए भैया, ये है मेरी प्राइस और ये है मेरी डिमांड, ठीक है। अब मेरी प्राइस देखो एकदम थोड़ी सी बढ़ी, बट डिमांड मेरी कितनी सारी गिर गई, तो इसे कहा जाता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। वैसे ही अगर मेरी प्राइस थोड़ी सी गिरती, तो भी सर डिमांड देखो कितनी सारी बढ़ गई है, दिख रहा है आपको? सो इसलिए हम इसे बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। क्या कहा जाएगा बच्चा इसे? इसे कहा जाएगा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। सिर्फ ये बाजू में टेक्सट बुक में लिखते रहना, आपको लर्न करने में डिफिकल्टी नहीं रहेगी। प्राइस थोड़ा सा बढ़ा, डिमांड ज्यादा चेंज हो गया, तो उसे कहा जाता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। वाइस वर्जा इन इलास्टिक एकदम उल्टा होता है। इलास्टिक में प्राइस ज्यादा बढ़ेगा और डिमांड में थोड़ा सा चेंज आता है, तो उसे कहा जाता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। आप कर्व में देख सकते हो आपका प्राइस कितना सारा बढ़ गया, जबकि डिमांड एकदम थोड़ा सा कम हुआ है, राइट? सो इसलिए इसे कहा जाता है रिलेटिवली इन इलास्टिक। सो इस तरीके से भैया पांच हो गए। कौन से था? पहला इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिट, फिर रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिव इन इलास्टिक। इस तरीके से टोटल 5 डिग्रीज होती है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और बच्चा अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो भैया आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन तो क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, पांचों के डायग्राम बनाने, तीन तीन चार चार लाइन में एक्सप्लेनेशन देना है, वो भी वही सिंपल एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया। यहाँ पे कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पांचों डायग्राम बनाओ, चार चार लाइन में एक्सप्लेनेशन दे दो, आपको पूरे के पूरे पार्ट्स मिल जाएंगे। हाँ एक एडिशनल काम कर देना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला भी लिख देना, एग्जामिनर थोड़ा खुश हो जाएगा, राइट बच्चा? सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी भी है और क्वेश्चन डिजर्व भी करता है, इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है। चलिए अभी हमने देखा था प्राइस इलास्टिसिटी, अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आता है इनकम इलास्टिसिटी।
अभी तक हमने देखा था कि भैया प्राइस में चेंज आने से डिमांड में क्या चेंज आता है, अब हम देख रहे हैं भैया इनकम में चेंज आने से डिमांड में क्या चेंज आता है। सो उसे कहा जाता है इनकम इलास्टिसिटी फॉर्मूला। अगेन सेम, जहां प्राइस है वहां इनकम कर दो। प्राइस इलास्टिसिटी में फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यहां हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। बस सेम फॉर्मूला है, खाली जहां पहले प्राइस था वहां अब इनकम आ जाएगा। तो उसे कहा जाता है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। इनकम में भी वापस से पांच होते हैं, बट इसको तीन हेड्स में बांट रखा है, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नल, राइट। सो देखिए इनकम इलास्टिसिटी में भी तीन आएगा। सबसे पहला आएगा पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड, दूसरा आ जाएगा नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड, और तीसरा आ जाएगा जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड। ठीक है भैया, पॉजिटिव मतलब इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, नेगेटिव मतलब इनकम बढ़ने से डिमांड गिरेगी, और जीरो मतलब इनकम बढ़ने से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये वाला आपको नॉर्मली इन एक्सपेंसिव कमोडिटीज में वापस से देखने मिल सकता है कि हमारी इनकम कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, हम नमक उतना ही खाएंगे भैया, इन एक्सपेंसिव कमोडिटीज की डिमांड में ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, राइट बच्चा। सो जीरो इनकम इलास्टिसिटी आपको नॉर्मली इन एक्सपेंसिव कमोडिटी लाइक सॉल्ट, पोस्ट कार्ड, पिन, मेस्टिक्स, इन सब में आपको देखने मिल जाएगी। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, इनकम बढ़ने से हमारी डिमांड कम हो जाती है, ये नॉर्मली चीपर गुड्स में, सस्ती क्वालिटी वाले गुड्स या इंफीरियर गुड्स में आपको ये चीज देखने मिल जाती है। अब बात करते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, ये हर किसी गुड्स में देखने मिलेगा। इसमें तीन होते हैं। यूनिट इनकम इलास्टिसिटी मतलब भैया जितने टके से इनकम बढ़ा उतने टके से डिमांड बढ़ गई, सेम सेम टू सेम। अगर इनकम बढ़ रहा है हमारा 10% तो उससे डिमांड भी हमारी बढ़ी 10%, दोनों सेम टू सेम बढ़े तो उसको बोलते हैं यूनिट इनकम इलास्टिक डिमांड। वाइसा वर्जा, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी कब होगा, व्हेन द इंक्रीज इन डिमांड इज प्रोपोर्शनेटली ग्रेटर देन द इंक्रीज इन इनकम। मतलब हमारी इनकम बढ़ रही है भैया थोड़ी सी, जबकि हमारी डिमांड बढ़ रही है बहुत सारी, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन यूनिट। वाइसा वर्जा, लेस देन यूनिट मतलब हमारी इनकम बढ़ रही है ज्यादा जबकि हमारी डिमांड बढ़ रही है थोड़ी, तो इसको बोलते हैं लेस देन। बहुत इजी है यार, एक की एक चीज है, और लिखना भी कुछ नहीं है, लर्न भी कुछ मेजर नहीं करना है। आप जो समझ रहे हो वो टिका दो, जो आपने यहाँ पे समझा है आपको सेम टू सेम वही टिकाना है, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है। बहुत 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 इजी कॉन्सेप्ट है, राइट बच्चा। सो आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज अगेन क्लियर, अगेन क्लियर आई होप सो। हाँ अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, चलिए। सो इसके साथ साथ मैंने आपको बताया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब मैं आगे बढ़ूंगा जहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एक गुड्स की डिमांड लेंगे और एक गुड्स की प्राइस लेंगे, मतलब प्राइस किसी और की, डिमांड किसी और की, तो उसे कहा जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब एक गुड्स की प्राइस और दूसरे गुड्स की डिमांड, ऐसा नॉर्मली होता है रिलेटेड गुड्स में। रिलेटेड गुड्स में दो आते हैं, एक आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो यस, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ओनली पॉसिबल इन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जहां पे हम एक कमोडिटी की प्राइस का दूसरी कमोडिटी के डिमांड पे क्या इंपैक्ट क्रिएट होगा उसकी स्टडी करते हैं। सो उसे कहा जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला सेम रहेगा, यूनिट्स बदल जाएंगे मतलब गुड्स बदल जाएंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड ऊपर, परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे, बट ऊपर आएगा डिमांड, सॉरी ऊपर आएगा डिमांड एक्स का और नीचे आएगा परसेंटेज चेंज इन गुड्स वाई। मतलब ऊपर आने वाला है एक्स और नीचे आने वाला है वाई, याद रहेगा भैया आपको। सो ध्यान देना, सेम है फॉर्मूला, सेम है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, देर इज नो चेंज, खाली गुड्स बदल जाएंगे। डिमांड हम लेंगे एक्स का तो प्राइस हम लेंगे वाई, वाइसा वर्जा, अगर डिमांड आपने ली वाई की तो प्राइस आप लोगे एक्स की। इसे कहा जाता है क्रॉस इलास्टिक, एक का प्राइस एक की डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ, आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। इस चैप्टर में अब और कुछ भी नहीं बचा है बच्चा, मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर पूरा डिटेल में बताया है, तीन पार्ट में ये चैप्टर हमने पढ़ा है, इस चैप्टर को हमने पूरा डिटेल में समझा है, एंड आई एम डैम श्योर अब आपको इस चैप्टर में कोई डाउट रहने वाले नहीं है। फिर भी अगर डाउट हो तो ये नीचे दिया हुआ कमेंट सेक्शन भैया किसके लिए है यूटिलाइज करो, कमेंट में लिखो जो भी तकलीफ है, जो भी दुख दर्द पीड़ा है मेरे पास पहुंचाओ सर, मैं आपको सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है बच्चा। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। इसके साथ हमारा थर्ड चैप्टर खत्म हुआ, वापस से मिलते हैं फोर्थ चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।